साथियों, अनुपम खेर हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्रीज के ऐसे अदाकार हैं जिन्होंने अपनी एक्टिंग से दर्शकों को हमेशा ही रोमांचित किया है और आश्चर्यचकित भी किया है। अभी अनुपम खेर की 8 नवंबर को जो है रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स के ऊपर मूवी जिसका नाम है विजय 69। हम उस विजय 69 की बात करें, ये अनुपम खेर की 69 विजय 69, जबकि उनकी उम्र भी एक्चुअल में 69 हो चुकी है और ऐसे लगता है कि ये स्पेशल फिल्म जो है स्पेशल अनुपम खेर के लिए ही लिखी गई थी और उनके लिए ही बनाई गई थी। ये मूवी जो है अभी आ चुकी है नेटफ्लिक्स के ऊपर, हमने ये मूवी देख ली है। ये मूवी में क्या क्या है, किस प्रकार की ये मूवी है, वही हम आपको आज की वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो बने रहिएगा शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ। हेलो गाइस, वेलकम बैक बॉलीवुड ऑल अप टू डेट। मैं आपका दोस्त और साथी जस्सी, जो कि बॉलीवुड की खबरें लेके आता हूँ आपके लिए अच्छी अच्छी इसी प्रकार के, और ट्रेलर रिव्यू, मूवी रिव्यू, सॉन्ग रिव्यू और बॉलीवुड के संबंध में तमाम प्रकार की अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। इस प्रकार के कंटेंट मैं आपके लिए रेगुलर अपलोड करता रहता हूं। इस फिल्म को YRF यानी कि यश राज फिल्म्स ने प्रोडक्शन किया है, नेटफ्लिक्स के ऊपर उपलब्ध है। यह एक फिल्म पूर्व तैराकी कोच की कहानी है जो 69 की उम्र में ट्रायथलॉन में हिस्सा लेते हैं। ट्रायथलॉन में उनको 40 किलोमीटर की जो है साइकिलिंग भी करनी पड़ती है और फिर दौड़ना भी पड़ता है और तैराकी भी करनी पड़ती है। अनुपम खेर ने इसमें मुख्य भूमिका में निभाई है। चंकी पांडे जो कि इसके दोस्त के रूप में हैं और इसमें गुड्डी मारुति है और माहिर भी इसमें अपनों नजर आते हैं। कहानी जो है अक्षय राज ने लिखी है और इसका डायरेक्शन भी उन्होंने किया है और मनीष शर्मा ने इसको प्रोड्यूस किया है। तो विजय मैथ्यू जो एक अनुपम खेर जिसका नाम है, बहुत ही गुस्सेल और मुंह पर बोलने वाले व्यक्ति इसमें आपको बताए गए। उनके बचपन का मित्र जो है वो चंकी पांडे के रूप में वहाँ पर दिखाया गया है। 60 साल की उम्र में लोग जो है रिटायरमेंट लेते हैं, लेकिन यहाँ पे विजय मैथ्यू ये दोस्त देखते हैं कि हमने 60 साल की उम्र में क्या क्या अचीवमेंट किया है। ढूंढते हैं तो उनके जीवन में कुछ भी अचीवमेंट नहीं मिलता। उनका साथी, उनका दोस्त जो है भाथेना उनका समर्थक है और विजय 69 की उम्र में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं ताकि जब हम दुनिया से जाएँ तो लोग बोलें कि हाँ, ये विजय था जिसने ये काम किया था, ये इसके नाम पर रिकॉर्ड है, ये इसका अच्छा अचीवमेंट है। लेकिन जब वो पिछली ज़िंदगी में अपनी में नज़र डालता है तो वहाँ पे कोई भी अचीवमेंट नहीं रहता है। फिर वो अपनी ही उम्र के ओल्ड व्यक्तियों के अचीवमेंट देखते हैं कि कौन कौन से ने क्या क्या अचीवमेंट किया है। किसी ने बच्चे पैदा किए 78 साल की उम्र में, किसी ने तैराकी की है, किसी ने ट्रायथन दौड़ा है। तो इस प्रकार से उनके लाइफ में भी एक मोटिवेशन आता है कि वो भी जो है अब इस उम्र में जो है अपना कुछ ऐसा रिकॉर्ड बना के दिखाएंगे कि लोग जो है उनको याद करें, उनके जाने के बाद भी उनको याद करें। अब 69 की एज में अगर आदमी ट्रायथन दौड़ेगा तो उसमें लोग जो है उनको, सही बात है कि लोग उनका साथ नहीं देंगे, यहाँ तक कि उसके घर वाले भी उसका साथ नहीं देंगे, समाज भी उसकी हंसी उड़ाएगा जैसा कि इस फिल्म में होता है। तो क्या अनुपम खेर अपना कुछ अचीवमेंट हासिल कर पाते हैं, क्या उनके गाँव वाले, उनके मोहल्ले वाले, उनके बच्चे खुद उसको इसकी इजाज़त देते हैं, यह तो आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। फिल्म जो है वो प्रेरणादायक मोटिवेशनल मूवी है और यह आपको इंस्पायर करेगी कि इस एज में भी हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं और आप अपने पेरेंट्स को और ज़्यादा प्यार करने लगें। ये आपको फिल्म पेरेंट्स के सपनों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी, आपको इमोशनल कर देगी और आपकी आंखों में आंसू भी ले आएगी। अगर आप इमोशनली पारिवारिक ड्रामा देखने के इच्छुक हैं तो इस फिल्म को आप देख सकते हैं। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन जो है वो नहीं रखनी है, ये खाली मूवी आपको एंटरटेनमेंट ही नहीं करेगी, आपको इमोशन भी करेगी। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे हमने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या अचीवमेंट किया और हम आने वाली ज़िंदगी में क्या कुछ कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट के रूप में आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे, खाली ये मूवी आप एक बार देख के इसको मैसेज को जो है वो
पढ़ सकते हो कि इसमें मैसेज जो है वो क्या दिया गया। अनुपम खेर का किरदार विजय के रूप में ज़बरदस्त है, काबिले तारीफ़ है। वो जिस प्रकार के किरदार अभी फिल्मों में निभाते हैं तो अपने आप में काबिले तारीफ़ है। वो एक दिग्गज अभिनेता है हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री के। जो जिद और जो जुनून और जो एनर्जी के साथ उन्होंने 69 में दिखाई है वह हर कोई जो है नहीं कर सकता है। वो आज की जनरेशन बच्चों के लिए एक गजब का जो है ट्यूनिंग बिठाते हुए इस फिल्म में नजर आते हैं। चंकी पांडे ने भी कमाल की एक्टिंग की है, गुड्डी मारुति है और भी जो एक्टर हैं उन्होंने भी अच्छा इसमें किरदार जो है वो निभाया। माहिर आहूजा ने भी दमदार एक्टिंग की है और डायरेक्शन अक्षय राज का डायरेक्शन जो है ज़बरदस्त है। अब्बास टायरवाला के साथ मिलकर उन्होंने एक कहानी लिखी है और फुल नंबर इस कहानी के लिए उनको मिलते हैं। उन्होंने न सिर्फ माँ बाप के सपनों पर फिल्म बनाई है बल्कि उन्हें आज की पीढ़ी के साथ जोड़ा भी है। उन्होंने इमोशंस को एक अच्छी कहानी के रूप में पिरोया है। ऐसे में ये फिल्म एक बार आपको ज़रूर देखनी चाहिए। फिल्म अगर आपने देख ली तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फिल्म आपको कैसी लगी। कहानी जो है पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ती है, कोई भी इसमें गीत संगीत नहीं है, सिर्फ कहानी ही दिखाई गई है, फालतू का कुछ भी नहीं है। बीच बीच में कॉमेडी भी है और ऐसा कोई वल्गर गाली नहीं है। थोड़ा बहुत जो है वल्गर है वो चलता है आजकल, सब उसको सुन सकते हैं, फैमिली के साथ बैठ के इस मूवी को देख सकते हैं। अगर आपने मूवी देख ली है तो मूवी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अनुपम खेर की एक्टिंग आपको कैसी लगी वो भी ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। 149 का नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेके आप इस फिल्म को देख सकते हैं। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।